गया से हैं और अभी तक एरोप्लेन में नहीं बैठे हैं, तो आइए ना आपको लेके चलते हैं एरोप्लेन में और साथ में खाने का भी मज़ा उठाते हैं। तो खुल चुका है मानपुर में एरोप्लेन रेस्टोरेंट, फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट, तो आइए आप लोग भी अपने फैमिली के साथ और यहाँ पे खाने का मज़ा उठाइए और साथ साथ एरोप्लेन वाला भी लुत्फ उठाइए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आज हम लोग जा रहे हैं नई जगह, आज जा रहे हैं हम लोग एरोप्लेन रेस्टोरेंट। यहाँ से 6 किलोमीटर है और देखिए अरीब भी कितना अच्छे से तैयार हो गया है, अलहमदुलिल्लाह खुला हुआ है और यहाँ से 6 किलोमीटर है। चलते हैं हम लोग, खाते हैं आप लोगों को, एक महीना हो गया लेकिन हम लोग लेकिन रमजान में हुआ था गाइस, रमजान में तो रोजा रख के कैसे जाते, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम गरीब शहरीद और नजदीक चलते हैं वहाँ पे, चल के आप लोग को दिखाते हैं बहुत कुछ, दिखाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है और वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा क्या क्या बने रही आप हमारे वीडियोज में। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियोज में नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो। तो फ्रेंड्स हम लोग उतर चुके हैं नीचे और ये देखिए ये बुलेट स्टार्ट कर रहे हैं और इधर शहरीश और अरीब मुझे धक्का मार रहा है पीछे से, ये देखिए इधर है। ओ गाइस पता है एक बुलेट में हम लोग 4 लोग जाते हैं बैठकर, अरे क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना अरीब हमारे पीछे पीछे लटक जाता है। और ये देखिए निकाल लिए बुलेट, ये रही हमारी, और हम लोगों से ज्यादा खुश तो यही नजर आ रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग, बने रहिए हमारी वीडियोस में, दिखाते हैं वहाँ चलकर। ये देखिए अरीब आगे बैठता है। और इसके बाद शहरीश बैठेगी, बैठ जाइए शहरीश, शहरीश को शर्म आ रही है। अब शहरीश भी बैठ चुकी है तो अब मैं भी बैठ जाती हूँ, तो बने रहिए आप हमारे वीडियोस में गाइस, वहाँ पहुँच कर दिखाते हैं आप लोगों को एरोप्लेन रेस्टोरेंट कैसा है। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं फ्लाई डाइन एरोप्लेन रेस्टोरेंट के पास, चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को अंदर से। तो गाइज मैं इसका लोकेशन बता दूं, ये है मानपुर में सुखदेव क्लार्क्स इनके पास, ये हमें न्यू करीमगंज से पड़ा 6 किलोमीटर और
तो चलिए ये देखिए कितना ही खूबसूरत बना हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं इसका व्यू और नज़ारा। माशाल्लाह बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो चलते हैं अंदर और अंदर चल के दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए हमारे साथ है शहरीश और इधर से अरीब आ रहा है। क्या हो गया तुम्हें? पैर जल गया। कैसे? ये देखिए गाइज ये पैर जला लिया अपना। और ये देखिए ये अभी बाइक को पार्क कर रहे हैं और पार्क करके आते हैं। और ये देखिए सामने से एरोप्लेन नज़र आ रहा है। तो चलिए गाइस चलते हैं एरोप्लेन और चल कर दिखाते हैं। और ये देखिए इधर बच्चों के लिए बहुत सारी मस्ती करने की चीज़ें भी है। तभी शहरीश और अरीब झूला भी झूलेगा यहाँ पे। क्यों हो रही शहरीश आपको नहीं झूलना? नहीं मामी झूलेंगी तब। अरे मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। तो ये देखिए ये आ गए हैं बुलेट पार्क करके और चलते हैं अंदर देखते हैं इसका क्या है टिकट प्राइस और कितना है टिकट का फेयर। जाते हैं अंदर पता करते हैं। यहाँ पे है रिसेप्शन इधर और यहाँ पे पता करते हैं गाइस। ये है रिसेप्शन और यहाँ पे जाके पता करते हैं टिकट का क्या है प्राइस। मैं जाती हूँ अंदर और टिकट लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स एरोप्लेन रेस्टोरेंट में इतना ही ज़्यादा भीड़ चल रही है कि हमें 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो अभी इसको खुले हुए 1 महीना हो रहा है तो अभी यहाँ पे तो काफ़ी लोग आ रहे हैं देखने के लिए और इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अभी भी भीड़ है, लोग टिकट ले रहे हैं और इधर कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी वेट करना अभी 15 मिनट। तो वेट करते हैं 15 मिनट, उसके बाद जाते हैं एरोप्लेन रेस्टोरेंट में और दिखाते हैं आप लोगों को। तो बने रहिए हमारे वीडियोज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हम लोग चले हैं और अभी जाके रिसेप्शन में बैठे हुए हैं क्योंकि काफ़ी वेटिंग है यहाँ पे। तो रेस्टोरेंट ऊपर में फुल है, अभी जगह नहीं है। हम लोग आधे घंटे के बाद आएगा, जब तक हम लोग सोचा आराम कर लें। जी हाँ शहरी तुमको कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है गाइस। अरे तुमको? मस्त लग रहा है। तो गाइस देखिए इधर हम लोग को वेट करना पड़ रहा था तो शहरीश और अरीब इधर आ गए हैं मस्ती करने के लिए। और ये देखिए शहरी जा रही है झूला झूलने के लिए और बोल रही साथ में मामी आप भी झूलो तभी मुझे झूलना, नहीं तो हम अकेले नहीं झूलेंगे। ये देखिए अरीब तुमको कौन से झूले में झूलना है? इस पे तुम अकेले कैसे झूलोगे? और ये देखिए शहरीश बैठ चुकी है और मुझे भी बुला रही है तो जाते हम भी। गाइस आप देख लें शहरीश और नाज़नीन खूब मस्ती कर रही हैं यहाँ पे आके। और और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया, आप आएंगे तो बच्चे लोगों को खेलने का भी इंतज़ाम है तो अच्छा है, आप आ सकते हैं। और अरीब को देखें, अरीब कहीं गिर ना जाओ बाबू। कैसे आ रहे हैं अरीब? अरीब है ऊपर, गंदा मत कर लोगे अरीब। ये देख ले अरीब को, आराम से बैठ के आ जाओ। अरीब मस्ती कर रहे हैं गाइस, ये रहे अरीब, वाह गुड। ये देखें अब अरीब को भी बैठा दिया और पूरा मस्ती कर रही है ये लोग यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर, हमको रखी है ये लोग झुलाने के लिए, सिर्फ मेरा काम है झुलाना और ये लोग को घुमाना, बस वही काम है। बुलेट चलाना, झुलाना और घुमाना, बस वही काम है गाइस हमारा। ये देखिए बच्चे लोग पूरा मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी सारा इंतज़ाम है बच्चे लोगों को खेलने के लिए। और अरीब को देख ले इधर, अरीब चलो अब चलो बेटा। अभी बहुत ज्यादा वेटिंग चल रही है तो मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स बहुत ही देर वेट करने के बाद ये देखिए हमने टिकट निकाल लिया और ये बिल्कुल एयरप्लेन के टिकट के जैसा है। और गाइस यहाँ पे सिस्टम ये है कि आप जितना खाएंगे वो आपके टिकट में लेस हो जाएगा। और यहाँ पे बता दूँ टिकट का प्राइस तो पर पर्सन 300 रुपीज़ है और वो आपके खाने के मेन्यू में लेस हो जाएगा जितना भी रहेगा टिकट का प्राइस। अगर आप 3 पर्सन है 900 होता है और अगर आप खाते हैं 1000 रुपीज़ का तो वो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा बस। ये देख लीजिए गाइस ये रही टिकट और बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट टिकट ही है जी।
और ये देखिए इधर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए अरीब काफ़ी देर से वेट कर रहा था। और यहाँ हम देखिए, ओ माय गॉड, यहाँ तो ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है ये ग्लास का ब्रिज बनाया हुआ है। और राजगीर में भी खुला हुआ है ग्लास ब्रिज, वहाँ तो अभी हम लोग गए नहीं, लेकिन इस पे जाकर हम लोग महसूस कर लेते हैं कि ग्लास ब्रिज पे चढ़ने का एहसास कैसा होता है। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं उधर। हम लोग भी आधे घंटे के वेट के बाद ही आए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नज़ारा बहुत ही औसम है। और ये देखिए, हाँ चलते हैं अंदर, चल के दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पीछे ठीक प्लेन रेस्टोरेंट है और नाज़नी शहरी तरीब। तो भाई लोग एकदम उतौले हो रहे हैं कि जल्दी से अंदर जाएं। और अब चलते हैं अंदर, चल करके देखते हैं गाइस कैसा है। और ये देख सकते हैं ये लोग पूरा, ये लोग इंजॉय कर रही हैं और काफ़ी बढ़िया चीज़ें यहाँ पा सकते हैं। उसी तरह का लग रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे अभी भी काफ़ी भीड़ है। और ये गया का पहला एयरप्लेन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे आप 12 बजे से 12 बजे दिन से रात 12 बजे तक आ सकते हैं। और ये देखिए, तो गाइस ये देखिए अरे बहुत देर से वेट कर रहा है और इसका फेस लाल हो चुका है भूख के मारे। चलो अंदर चलते हैं और चल कर दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या है मेन्यू। और माशाल्लाह यहाँ पे तो इंतजाम लग रहा है कि एकदम एरोप्लेन वाला ही है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह एकदम फ्लाइट वाला इसमें सीन है। ये देखिए इधर एयर होस्टेस भी हैं यहाँ पे और शायरिश इधर, और इसका सीट भी बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। तो ये देखिए शहरीश और अरीब बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीट पर। तो शहरीश कुर्सी की पेटी बांध ले। ये देखिए ये भी बैठ चुके हैं अब। तो यहाँ पे तो आकर काफी अच्छा लग रहा है गाइस। आप लोग भी आए गया का एरोप्लेन रेस्टोरेंट में और आकर यहाँ का लुत्फ उठाएं। हम लोग तो पहली बार आ रहे हैं, इसको खुले हुए एक मंथ हो गया ओपनिंग हुए। तो उस टाइम तो रमज़ान चल रहा था तो हम लोग आ नहीं पाए थे। तो आज मौका मिला ईद के चौथे दिन, तो हम लोग आ चुके हैं। तो अब हम भी बैठ जाते हैं अपनी सीट पे और कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं और उसके बाद करते हैं ऑर्डर। देखिए यहाँ पे मामी बैठ चुकी हैं और अभी हम लोग ऑर्डर देंगे, पहले मेन्यू देख लेते हैं। और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और आप लोग भी आए गाइस, बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम लोग करते हैं ऑर्डर, फिर आप लोग से मिलेंगे। बाय बाय। ये देखिए नाज़नी अभी ऑर्डर दे रही है, मेनू देख रही है, सब मेनू में सेलेक्ट करेंगे क्या खाना है। तो शहरी को देखे पूरा शहरी इंजॉय कर रही है। और मेरे बगल में रहे हैं अरीब। अरीब आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? और काफ़ी अच्छा लग रहा है अरीब को। और अरीब अलहमदिल्ला काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी फोटो भी खिंचाने खींचने दे रहे हैं हम लोग। अपना ऑर्डर दे चुके हैं और आने वाला भी। गाइस पता बहुत जोरों की भूख लगी हुई है क्योंकि दोपहर में हमने खाना नहीं खाया था। चार बजे घर से निकले और यहाँ पे आके काफ़ी देर वेट करना पड़ा और उसके चलते बहुत जोर से भूख लग गई है। अभी मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आने में थोड़ी देर। तो गाइस जब तक पानी से प्यास क्या कर, प्यास नहीं होता शरीर को, प्यास गाइस इतना भूख लगी कि गलत प्रोनाउंसिएशन निकल जाए। गाइस ये आप देखिए काफ़ी भीड़ है, हम लोग सही टाइम पे आए ना तो और ज़्यादा भीड़ होती है। अभी तो खैर भीड़ होना ही स्टार्ट हो गई है, काफ़ी जल्द से बना हुआ है। ये लग रहा है कि ऑरिजिनल फिल्म है, उसी का फीलिंग है लग रहा है। ये देखिए अब चलो काफ़ी देख सकते हैं यार, होस्टेज का ही देख है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप आ सकते हैं, जाते हैं तो पक्का है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक बार आए आ करके इसका मज़ा लें। तो गाइज़ ये देखिए हमारा ऑर्डर आ चुका है और अरीब को बहुत ही ज़ोर की भूख लगी है, अरीब बहुत देर से वेट कर रहा। तो ये है मलाई टिक्का, इसको खाते हैं हम लोग और इसका टेस्ट आप लोगों को बताते हैं कि कैसा है। बने रहिए हमारी वीडियो में गाइज़। इसको भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, ये अपने प्लेट में आने का वेट कर रही है। और ये देखिए इधर अरीब को,
तो गाइज ये देखिए हमारा प्लेट लग चुका है और अरीब तो खाना भी स्टार्ट कर दिया। कैसा है अरीब? बाकी का कब आएगा भाई? एक बार ला के रख। अरीब एक बार दे। कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा। शरीश ला के मंगवाई ना, ऐसे करके रख। बहुत टेस्टी है। तो इसको खाते हैं और खाने के बाद आपको टेस्ट बताते हैं हम। तो ये हमारा आ चुका है दूसरा ऑर्डर भी, तो इसको पहले इसको खा लेते हैं गाइस, क्योंकि ये स्टार्टर है, और इसके बाद इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा है टेस्ट में, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। और आप लोग यहाँ आना ना भूले गाइस, फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट में ज़रूर आके यहाँ एक बार ट्राई करें। तो गाइस ये देखिए हमारा ऑर्डर आ चुका है, बटर नान और कढ़ाई पनीर। ये देखिए ये सर्व कर रहे हैं। और अरीब बहुत देर से वेट कर रहा था, और वेट तो हम लोग भी कर रहे थे क्योंकि भूख लगी हुई थी बहुत ज़ोर से। और शायरीश इधर खा रही है। शायरीश कैसा लग रहा है आपको? तब खा कर बताते हैं ये आप लोगों को। तो गाइस आप लोग गया से हैं और गया के आसपास से हैं, तो एक बार यहाँ आए, जरूर आए एक बार यहाँ पर आगे प्लेन का लुक उठाए और साथ में खाने का भी मजा उठाए। और ये देखिए अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं, अभी बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग जा रहे हैं खा पी के। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग खा चुके हैं, और ये देखिए अरीब, और अब हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और किसी से तो हम बात नहीं किए हैं कि कहाँ से लोग आए हैं तो पता नहीं। और यहाँ पे खाने का टेस्ट अच्छा है, 10 out of 8 यहाँ पे रेटिंग देना चाहेंगे हम। और गाइस हम लोग आए थे दिन में, हो चुकी है रात। यहाँ पे इतना ही ज़्यादा हम लोगों को वेट करना पड़ा था। हाँ गाइस यहाँ पे रात हो चुकी, तो हम लोगों ने खाना खा लिया यहाँ पे। और गाइस खाना बहुत टेस्टी था। तो आप लोग भी आए अपनी फैमिली के साथ अगर गया से हैं और गया के आसपास से हैं, तो एक बार तो यहाँ ज़रूर आए और ये फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट में आकर मज़ा उठाएं। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे खाने का और प्लेन में बैठने का मज़ा। हाँ गाइस ये था आज का हमारा ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे घर क्योंकि बहुत लेट हो गया। ये देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं, देखें अभी भी लोग आ रहे हैं, रात का खाना खाने आ रहे हैं लगता है सर। रात का खाना खाने के लिए आ रहे हैं लोग, और अरीब को तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा। अरीब का भी बना दो, तो चलते हैं अब हम लोग। ये था हमारा आज का व्लॉग फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट का, और आप लोग गाइस जो कि यहाँ एक ही महीना पहले व्लॉग बनता है गाइस, आप लोग प्लीज उसे लाइक एंड शेयर कीजिए, बढ़िया कमेंट भी कीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ गाइस। अल्लाह हाफिज़।